हेलो एवरीवन, शिक्षक जंक्शन फिर से हाजिर है आपके लिए एक और एजुकेशनल अपडेट लेकर। लेकिन आज की हमारी जो अपडेट है वो सीनियर क्लासेस मतलब 8th to 12th को लेकर नहीं है। आज का हमारा अपडेट है उन छोटे बच्चों को लेकर, क्लासेस 1 to 5 को लेकर, जिनके ऊपर एक्चुअली में लाइव क्लासेस ना होने का मतलब लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि अगर आप इसको ब्रॉड माइंड से सोचें तो क्लासेस 1 to 5 एक ऐसा ग्रुप बन जाता है बच्चों का जो ऑब्वियसली वर्चुअल क्लासेस के थ्रू नहीं पढ़ सकता। अगर आप पढ़ाने की कोशिश करें कि वो ऑनलाइन क्लासेस देख लें, अपनी ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज या टिकटॉक नहीं, ऑनलाइन अपनी क्लासेस चलाएं, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक जगह बैठकर उसको ग्रास्प कर पाएं। ठीक, तो इसी को, क्योंकि हमारा HRD मिनिस्टर जो है वो इस चीज़ से बहुत अवेयर है, तो उन्होंने, हमारे जो HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी ने, उन्होंने ये बात कहा है और इसी को लेकर अपने एकेडमिक कैलेंडर में भी चेंजेस करे हैं। NCERT की तरफ से एक कैलेंडर रिलीज हो चुका है इसी क्लासेस 1 to 5 को लेकर, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ स्पेशली जो हमारे 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इन बच्चों के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और EVS, इन 4 सब्जेक्ट्स को लेकर उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ प्रपोज की हैं, जिसके थ्रू पेरेंट्स अगर उन बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में हेल्प करें तो उन बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आगे जाकर उनको उस चीज़ में हेल्प मिलेगी। अगर हम इसी चीज़ पर और थोड़ी डिटेलिंग में बात करें तो क्लासेस, ये जो हमारे टाइनी टॉट्स हैं, जूनियर बच्चे हैं, ये आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पीछे रह गए हैं। जैसे कि गार्डनिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, उन्हें पता तो है कि प्लांट्स क्या करते हैं, लेकिन अगर उनसे बोला जाए कि मिट्टी में जाके आप एक गमला पौधा जो है वो लगाएं, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि शायद उन्हें मिट्टी से वो लगाव नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें किचन की, उन्हें पता तो है कि जोमैटो और स्विगी के थ्रू जो है वो खाना आता है, लेकिन एक्चुअली में वो खाना बनता कैसे है उन्हें इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं है और शायद इंटरेस्ट भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ऐसी बहुत बिजीनेस आ गई है कि हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए ऐसा टाइम है जिसे वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि उनके बच्चे इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकें। और इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हुए जो NCERT है उसने इसको हमारे एकेडमिक कैलेंडर से भी जोड़ दिया है, ताकि जैसे जैसे आप ये एक्टिविटीज़ अपने घर में कराते रहेंगे, वैसे ही आगे जाकर उनका जब स्कूल रीओपन होंगे लॉकडाउन के बाद, तो ये चीज़ें उनके इंटरनल असेसमेंट में काम आएंगी। ठीक है, तो ये पेरेंट्स आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को इन सारी जितनी भी मॉरल एक्टिविटीज़ हैं जिसे आप अपने बचपन में करते आए हैं और जो आज उन बच्चों के बचपन में रह गई हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है उनको फुलफिल कराना। ठीक, इसी के चलते CBSE ने ये भी डिसाइड किया है, ऑफिशियल्स को ये मैसेज भेज दिया गया है कि अगर इन केस लॉकडाउन का पीरियड एक्सटेंड होता है या फिर जो भी कंडीशंस हमारी कंट्री में प्रिवेल रहती हैं उसके चलते 6th to 12th क्लासेस के लिए भी एक अल्टरनेट कैलेंडर, हमारा जो बोर्ड है, NCERT है, UGC है, CBSE है और जितनी भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसको लेकर रिलीज करें। लेकिन ये न्यूज़ तभी कन्फर्म होगी जब हमें लॉकडाउन का स्टेटस पता चलेगा, वो तभी होगा जब हम सबके TV पर मोदी जी आएंगे और हम सबको बताएंगे कि क्या होने वाला है आगे। टिल देन, वट एवर न्यूज विल कम वी विल अपडेट यू, बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड्स दोज किड्स विच आर इन टच विद यू नाउअडेज 24 आवर्स, राइट। हमें बचपन में सिखाया जाता था कि हमारे सबसे पहले गुरु कौन है, हमारे माता पिता, तो आज आपको वो प्रूव करने का टाइम आ गया है। आई होप यू विल डू सो इन दैट रेस्पेक्ट टू। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब अवर चैनल शिक्षा जंक्शन फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।